राम राम सामा मनोज थे देखने लाग रहे हो जल को चूरू चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब शेयर लाइक फॉलो जरूर कर लियो ताकि चूरू जिले की अपडेट मिल सके। जानलेवा हमलों कर दिया है, पति गए पेरा पर करंट का तार बांध के झटका दीज गया है। चूरू गए सरदार सेठ तहसील गांव अमर शहर में एक महिला है जी खाने में बेहोशी की दवा मिला के पति ने बेहोश कर दियो, बाद में पति के पेरा में बिजली का तार बांध के करंट का झटका दिया। युवक का पर्चा बयान के आधार पर जानलेवा हमला करने का मामलों भी दर्ज हुए है। पुलिस के अनुसार बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में भर्ती अमरसर निवासी महेंद्र दान पुत्र देवीदान चारण है जी को पर्चा बयान दिए हुए कि 12 अगस्त की रात ने करीब 8 बजे ड्यूटी करके घरे आए और कुछ समय बाद पत्नी है जी की सुमन बने खानो लिया दियो। खानो खाते समय चार पाई पर वो बेहोश हो गई और देर रात करंट का झटका लगन पर बेंगी आंख खुली। पत्नी है जी गाता प्लास्टिक की थैलियां पहन रखी ही और बेंगे पैरों पर बिजली का तार भी बांध रखा हा और करंट लगान लग दी ही। करंट फिर दोबारा वो बेहोश हो गए और पत्नी है जी की जान मारनी नहीं तो बेंगे करंट लगान लग दी। थारो के कुछ मामले पर सोच रहे जरूर कमेंट बॉक्स के द्वारा बताओगा। बीकानेर सरकारी अस्पताल से टेलीफोन आया कि एक करंट लग के भर्ती हुआ है, जिस पर मैंने जाकर बयान लिए तो करंट लगा हुआ महेंद्रदान पुत्र देवीदान जो अमृतसर का रहने वाला है उसने बताया कि मेरी पत्नी ने मुझे पहले तो नशीली कोई दवा खिला दी जिससे मैं बेहोश हो गया, उसके बाद रात्रि में मेरे पैरों के तार बांध कर करंट लगा दिया और जिससे मैं बेहोश हो गया, तो उस पर FIR दर्ज हुई है 307 में। मत सिंह ASI जांच कर रहे हैं, आगे देखते हैं निर्णय क्या होता है।